दोस्तों बोलते हैं प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है, और इसका एकदम उल्टा है पढ़ाई। पढ़ाई कभी होती नहीं है, पढ़ाई करनी ही पड़ती है। और जिस दिन इस बात को समझ जाओगे उस दिन से बहाने नहीं बनाओगे कि पढ़ाई नहीं हो रही है। और आज मैं ये बात आपको समझा के ही रहूंगा। जब भी पढ़ने बैठोगे तो दिल बोलेगा कि 5 मिनट के लिए तो मोबाइल खोल, फेसबुक पर टाइम पास कर ले, यूट्यूब पर वीडियो देख ले, व्हाट्सएप चेक कर, व्हाट्सएप के स्टेटस चेक कर। पर दोस्त याद रखना, अगर एक बार इस दिल के सामने हार गए ना तो वापस उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी बताई हुई चीजों का एडिक्शन कुछ ऐसा है कि हम इसे खोलते तो 5 मिनट के लिए है पर बंद घंटे के बाद ही होता है। इसलिए जब भी पढ़ने के वक्त दिल में ऐसे ख्याल आए तो दिल को बोलना कि बेटा चुप हो जा, अभी तो मुझे बस पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ोगे तब तक दूसरों के बताए हुए रास्तों पर ही चल पाओगे। पर जिस दिन सीखने के लिए पढ़ना शुरू कर दोगे उस दिन तुम खुद अपना रास्ता बना लोगे। क्योंकि ये बात भी उतनी ही सच है कि किताबें रटकर आज तक किसी ने नाम और पैसा नहीं बनाया। नाम और पैसा बनाना है तो किताबों को समझना पड़ता है, और जिस दिन ये समझने के लिए पढ़ना शुरू कर दोगे उस दिन से आज तक सबसे मुश्किल लगने वाली चीज पढ़ाई भी बायात का खेल लगने लगेगी। और तब तुम्हें मेहनत नहीं करनी है चीजों को याद रखने के लिए, क्योंकि जिन चीजों को समझा जाता है उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से लोग एक बार फेल हो गए तो अपना हौसला खो देते हैं। अरे एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, हर कामयाब इंसान फेलियर से ही गुजरता है, और तुझे भी गुजरना पड़ेगा। कामयाबी को झुकाना है तो वो सब सहना पड़ेगा। तुम्हारे हर फेलियर पे ये दुनिया तुम्हें ताना मारेगी, तुम्हारे दोस्त ताना मारेंगे, रिश्तेदार ताना मारेंगे, यही नहीं तुम्हारे घर वालों से भी तुम्हें ताना सुनना पड़ेगा। पर यही ताना देने वाले लोग एक दिन तेरी वाह वाह करेंगे जब तू खुद कुछ बन जाएगा। ये दुनिया बहुत जिद्दी है दोस्त, ये ऐसी ही नहीं झुकती, ये सिर्फ उनके सामने झुकती है जिनकी इसे झुकाने की हैसियत होती है। और ऐसी हैसियत तब बनेगी जब तू आज तेरा वक्त खुद को बनाने में खर्च करेगा। आज पढ़ेगा तो ही कल कुछ कर पाएगा। और जो बोलते आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, भाई ऐसा कब तक चलेगा? ये भूल मत कि एक ना एक दिन ये सब तुझे ही पढ़ना है। तो फिर क्यों ये कल और परसों, आज से और अभी से शुरुआत कर। और अगर तुझे टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए तो भाई मुझे बता, दोस्तों से मिलने के लिए तेरे पास टाइम है, पबजी खेलने के लिए तेरे पास टाइम है, फालतू घूमने के लिए भी तेरे पास टाइम है, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने के लिए तो तेरे पास टाइम ही टाइम है, तो सिर्फ पढ़ाई के लिए टाइम क्यों नहीं मिल पाता? और ऐसा इसीलिए होता है कि तू टाइम देना ही नहीं चाहता, क्योंकि तेरी प्रायोरिटी वाली लिस्ट तो ऑलरेडी फालतू चीजों से भरी पड़ी है, तो तुझे कैसे टाइम मिलेगा पढ़ाई के लिए? गेम खेलो, दोस्तों से मिलो, हर चीज को एंजॉय करो। मैं भी जानता हूं कि ये टाइम वापस नहीं आने वाला, पर दोस्त ये भी भूल मत कि पढ़ाई के लिए भी तेरे पास अब भी टाइम है, और ये भी टाइम वापस नहीं आने वाला, क्योंकि तेरी आज की मेहनत तेरे अगले 40 साल को डिसाइड करेगी। और अगर तुझे उन 40 साल की फिक्र नहीं है तो बिंदास टाइम पास कर, कोई जरूरत नहीं तुझे पढ़ाई करने की। कई लोग तो आके बोलते कि भाई मन नहीं लगता। अरे मन लगेगा अभी कैसे, तुमने ऑलरेडी पढ़ाई को अपना दुश्मन जो समझ लिया है। जब मूवी देखने में मन लग सकता है, टिकटॉक के वीडियोस देखने में मन लग सकता है, तो सिर्फ पढ़ाई में ही मन क्यों नहीं लगता? यहाँ प्रॉब्लम दूसरों का नहीं, तुम्हारे खुद के एटीट्यूड का है। और याद रखना, यही एटीट्यूड तुम्हारी किस्मत तय करता है। अच्छी किस्मत ऐसी ही नहीं बनती दोस्त, उसके लिए तकदीर से लड़ना पड़ता है, जी जान लगानी पड़ती है। कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी तकलीफ हो, वही हिम्मत के साथ खड़े रहना होता है, तब जाके अच्छी किस्मत बनती है। और अगर आज तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा काम तकलीफ लग रही है तो याद रखना, यही चीजें एक दिन तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगी। क्या आप जानते हो एक जानवर और एक इंसान में क्या फर्क होता है? हम हमारे नॉलेज का यूज करके हमारी किस्मत बदल सकते हैं और जानवर नहीं बदल सकते। और अगर आज हम भी इस नॉलेज को लेने से इनकार करेंगे तो उस जानवर में और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हमें कहाँ पैदा होना है ये तो हमारे हाथ में नहीं है, पर अभी जो तुम्हारे पास मौका है उसका यूज करके तुम्हें कहाँ पर पहुंचना है ये 100% तुम्हारे हाथ में है। और पढ़ना मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की किताबों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो पढ़नी है, उसके साथ वो सब चीजें पढ़ो जिससे तुम्हें नॉलेज मिले, तुम्हारे स्किल्स इंप्रूव हो और तुम खुद को और बेहतर से बेहतर बना सको, ताकि इसी नॉलेज और स्किल्स की बेस पर जो सपने तुम देख रहे हो वो तुम यूं पूरे कर पाओ। और दोस्तों आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए लास्ट टाइम मैंने आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर किया था डाउटनट, और इसके बारे में मुझे कई लोगों ने पॉजिटिव रिव्यूज दिए कि इससे पढ़ाई सही में आसान होती है। एक बार इसे जरूर ट्राई करना, डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे और आप इसमें मेरी हेल्प करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूं आपका द विल पावर स्टार, मिलते हैं अगले वीडियो में।